देश भर में इस वक्त चल रहे लॉकडाउन के तहत धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा पर हजारों लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस दौरान हजारों लोगों ने साधनों की मांग को लेकर हाईवे और खेतों में धरना दिया। मामले की सूचना पाकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी मृदुल कच्छावा में जाप्ते मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ में समझाइश कर उन्हें हाईवे से हटाया गया। साथ ही कुछ मजदूरों को वहां से गुजर रहे ट्रकों में बिठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हालांकि कई लोग अभी तक मौके पर मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। सीमा में खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि भाई वो करें। अभी हम तो राजस्थान की सीमा से भी 3 किलोमीटर दूर हैं और जो सरकार की डायरेक्शन है उसमें ये डायरेक्शन है कि जो जहाँ है वही रहेगा, लॉक इन जो है इन्फोर्स किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने यहाँ गाड़ियों में भर भर के इनको भेजा है और यहाँ उतार दिया गया है ताकि यहाँ राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएँ। माननीय मुख्य सचिव महोदय को और ACS सोम दोनों को मैंने अवगत कराया है और इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी हमने कराई है और ड्रोन से हम फोटोग्राफी करा रहे हैं। ड्रोन फोटोग्राफी करा के माननीय मुख्य सचिव महोदय और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोनों को हम भिजवाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि साथ हमारी समस्या का निदान करें, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों का आवागमन जारी रहा तो ये लॉकआउट जो हुआ है वो फेल हो जाएगा, सोशल चेंज जो ब्रेक होने की मंशा है फेल होगी। देखिए लगभग 4-4:30 बजे के पास में जो है काफ़ी मात्रा में जो लोग यहाँ पे आके एकत्रित हुए हैं, कहाँ से आए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। आगे ज़्यादातर लोग इसमें झांसी जाने वाले लोग हैं। फिलहाल व्यवस्था ये है कि संपूर्ण रूप से बॉर्डर सील है और पुलिस जाप्ता जो है पर्याप्त रूप से यहाँ तैनात किया गया। सरकार लेवल से जब तक कोई डायरेक्शन नहीं आता तब तक हम जो है अलाउ करने की स्थिति।